दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए मैंने बात किया, काफी टाइम बात किया इंस्टाग्राम पे, और भाई का कहना है कि ये जो एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो ना, इस एप्लीकेशन के अंदर में एप्लीकेशन है जो 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए लोन देता है। उस एप्लीकेशन में क्या है, एकदम जो फेक और फर्जी एप्लीकेशन है ना, उसमें आते रहते हैं। 15 दिन के लिए लोन देने का क्या है मतलब, और अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया ना तो वो लोग बहुत ही बुरी बुरी गालियां देते हैं, समझ रहे हो। मतलब एपीके मोड में उनका एप्लीकेशन कभी कभी रहता है, कभी कभी एड में भी आपको दिख जाएगा। तो ये सभी बात सुनने के बाद मैंने एक ही चीज फैसला किया कि इसके बारे में लोगों को अलर्ट करना चाहिए, ताकि इस तरह से भी कंपनी हो सकता है कि यूट्यूब के एड्स में भी दिख जाए। फिर आपको 3 नंबर से 2 नंबर से नंबर से कॉल आया, 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर से, कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत देर बात किया, इसके बाद मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूं, जो कि वीडियो आप देखेंगे वीडियो में। तो अभी मैं नाश्ता भी कर रहा था और मैं सोचा कि ये बातें आपको बता दूं। ये दही दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, दोपहर का यही लंच है मेरा। माफी चाहता हूं, ये कोई ब्लॉग वीडियो तो नहीं है, लेकिन अगर खाली एंट्री फोन है तो ना तो उसे कॉल आएगा ना ही कुछ भी। अगर आपका मन करेगा तो उसका रिपेमेंट कर दीजिएगा, यूपीआई से लोग फोन पे वो करवाता है। नहीं मन किया तो कुछ भी नहीं करोगे तो लोग कुछ भी नहीं उठा सकते। लेकिन याद रहे, उस फोन में कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह के फोटोज, कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर्स नहीं लेना। दोस्तों मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, आज एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कॉल आएगा, रिसीव करना है और बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, वेरीफाई कर देना है और लोन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मैं आपको सुनाता हूँ और आपको यहाँ पे पहला प्रूफ भी दिखा देता हूँ, फिर आप देखिएगा इसमें सही है। मैं अपना यहाँ पे HDFC मोबाइल बैंकिंग पे आ रहा है, यहाँ पे मैं फिंगर टच किया और ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। देखिए भाई, कहीं यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, लेकिन फिर आगे आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, OTP कुछ नहीं लग रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पे नंबर OTP वेरीफाई करना पड़ रहा है। कैसे हो रहा है आप थोड़ा एक बार समझिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करता हूँ। ओके, थोड़ा सा रिस्क है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक किया, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो फिर कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे 4,003 रुपीज आज ही रिसीव हुआ है। आप देखिए यहाँ पे मास फाइनेंस सर्विस है ना, यहाँ से मेरे वो ये पैसे रिसीव हुआ है, क्लियर है। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा रिस्क है, वो पहले मैं आपको बता दूं। इस एप्लीकेशन को आप उस मोबाइल के फोन में अप्लाई करना है, प्रोसेस करना है, जिस फोन में दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर ना हो। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 फोन है, हालांकि दोनों सेम कंपनी है, अलग अलग है। तो इस फोन में मैं अप्लाई करना, ताकि इसमें कोई भी और डॉक्यूमेंट ना रहे, ना तो कोई फोटो, ना कोई दूसरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ना ही यहाँ पे व्हाट्सएप। और जरूरी एक बात और भी सूचना है आपके लिए, कि जो नंबर हम प्रोसेस करेंगे उस पर कोई भी व्हाट्सएप नहीं रहना चाहिए, सही है, तब जाकर के आपको ये करना, ये रिस्क है। और क्या आगे वो मैं बताता हूँ मैं आपको। चलिए मैं यहाँ पे ये फोन को उठाया, इस फोन में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा टेक्निक है, अदरवाइज आपको रीपेमेंट भी करना पड़ सकता है। आप रीपेमेंट नहीं करना है तो मतलब गजब बात है भाई। तो देखिए कैसे कर रहा है वो देखिए, बहुत सारे होशियार लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, और मुझे जो पता चला स्टडे, तो मैं भी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आपको सही लगता है तो फिर आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है, सही है। मैं यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग किया है उस पर मैं सुनाता हूँ। और एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे आप यहाँ पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस चैनल की आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर जाए और आप अपनी नीड के हिसाब से वीडियो को देख सके। दोस्तों अगर किसी कारण से यहाँ से अगर आपको डर लगता है, नहीं आपको अप्लाई करना है, कोई भी एरर हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप ये जो थंबनेल देख रहे हो इसके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज ही मैंने रिसेंटली 3,000 रुपये का एक ऐसा, मतलब 3,000 ऐसा एप्लीकेशन, जो इसमें से कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, जो कमेंट सेक्शन में पिन किया लाइव प्रूफ वीडियो मैंने बताया, 10 मिनट की वीडियो है, तो उसको देख करके भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला लेवल पे 3,000 है और 10वां लेवल पे 1,00,000 रुपये है, वो ट्रू बैलेंस नहीं है जो कि स्क्रीन में देख पा रहे हो। इसमें से कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कम समय में ये बातों को मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइव अप्लाई नहीं करने वाला है। प्रोसेस क्या है, रास्ता क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है, लोन नहीं मिल रहा है
डॉक्यूमेंट मिस हुए, सिविल में प्रॉब्लम है, आप एलिजिबल क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हो, ये सभी चीज देखने के बाद अगर कोई एप्लीकेशन में ट्राई करते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा। ऐसा बोलने का जरूरी नहीं है कि भाई इसमें लोन नहीं मिल रहा है, इसमें लोन नहीं मिल रहा है, ये फेक है, ये गलत है। फेक गलत नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है मतलब आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ से लगता है सभी लोग एलिजिबल हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फोन आया था, मैं रिकॉर्डिंग किया है, सुनिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। Your Aditya Birla Cash loan of up to 7 lakh rupees is waiting for transfer in your bank account. No hidden charges, no income proof needed. Apply by clicking on the link sent via SMS after this call. सुन लिया आपने, आदित्य बिरला का आपने नाम सुना। मैं फटाफट यहाँ पे मैं ढूंढूंगा आदित्य बिरला किधर है। एक्चुअली ये आया मेरी गलती से, मेरे हाथ से डिलीट हो गया। मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ आदित्य बिरला किधर है। एक्चुअली क्या है, ये आदित्य बिरला का कॉल नहीं था, ये फेक और फ्रॉड कॉल था। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो आया यहाँ पे, आपको लग रहा होगा कि ये आदित्य बिरला के जैसे है, ये आदित्य बिरला का ही वेबसाइट है, लिंक है, जो भी कुछ आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं इनको लिंक पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्लिक किया अप्लाई नाउ पे, ये आगे चला गया, बैक ही नहीं आ रहा था। बाद में गंदे गंदे फोटोज आ रहे, अलग अलग आ रहे, ऐसा नहीं, ये हूबहू सेम ओरिजिनल, ऐसे ही मैसेज आदित्य बिरला की तरफ से आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो गंदे गंदे इमेजेस आ रहा है और ये लिंक बैक नहीं हो रहा, आगे बढ़ते जा रहा है। अप्लीकेशन डाउनलोडिंग करने के लिए बोल रहा है फोन के अंदर में, मतलब एक वायरस सिस्टम जैसे फोन डेंजरस करके ऐसे ऐसे करके ब्लिंक कर रहा है। तो मैंने कैसे तैसे करके कट किया, बैक आया। और वो कॉल आने के बाद में, ये कॉल से पहले दूसरे दिन भी एक कॉल आया था, जो कि मैं आपको इतना बैक करके मैसेज दिखाया, ये कब का मैसेज है, कब का दिखा रहा हूँ मैं, ये फ्राइडे का था, क्लियर है, ये फ्राइडे का था। तो तभी भी ऐसा ही हुआ था, उस टाइम में मैंने ऐसा किया था और कॉल आज भी आया। तो मैं सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर वीडियो आपको देना चाहिए, किस तरह से कोई भी बैंक में इनकम प्रूफ नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये सभी कुछ कुछ भी नहीं, और ऐसा करके कॉल कर गया। एक बार और हम कॉल को सुनेंगे, एक बार और सुनेंगे हम, सुनिए एक बार फिर से। Your Aditya Birla cash loan of up to 7 lakh rupees is waiting for transfer in your bank account. No hidden charges, no income proof needed. Apply by clicking on the link sent via SMS after this call. समझ गए आप? तो देखिए भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, बिना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो लोन मिल सकता है। ये थंबनेल देख रहे हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट देख लीजिएगा, आपको 2000 से 70000 रुपए तक, 70000 तो लोन मिलता है, मैंने लाइव प्रूफ वीडियो में दिखा है, क्लियर। लेकिन ये चीजें उस दिन जो फ्राइडे को आया था, कॉल आया था बेसिकली एक लेडीज का, सिर्फ नंबर वेरीफाई करना ऐसा करके, तो वो उस दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अदरवाइज वो भी सुना देता। लेकिन ये इतना इतना हार्मफुल, ये जो यहाँ पे अप्लाई करने वाला जो लिंक यहाँ पे पेस्ट किया गया है, ये कहाँ लेके जा रहा है आपको, आप सोच नहीं सकते। आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास भाई सिस्टर्स माता जी अगर बैठे हैं तो वो ऐसे ऐसे फोटोज आ रहा है, उसको देख करके शर्मा जाना, इस जगह पे ये लिंक लेके जाता है, अब सोचिए। तो प्लीज इस तरह से कोई भी कॉल आता है और आपको बोलता है ऐसा, तो ऐसा नहीं जाना भाई। एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे हैं, जो लोन देता है, किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है और आपको लोन एलिजिबल होकर के मिल रहा है। तो इस बातों पे गौर करने वाली बात है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल। इस तरह से फोन आते जाते रह रहे हैं तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आई होप गाइस कि इस वीडियो में जो भी मैंने बोला है समझ में आया होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो कि मैंने बोला, उसके अलावा भी एनबीएफसी बेस्ट लिंक विदाउट इनकम विदाउट सिविल आप देख सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट चाहिए, स्पेलिंग भी मिस्टेक होगा तो लोन नहीं मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।